बड़े महाराज को छोटे महाराज ने याद किया है। बलराम जी ने सोचा, भैया पहली बार तो कभी संतन की सेवा करने को समय मिलो, अंदर प्रसादी ग्रहण कर लियो कि दक्षिणा दे आते चलो। दक्षिणा देने के लिए गए तो पता लगा महात्मा जी दक्षिणा में बहन जी खोई देगी बलराम जी, हमारी बहन भले गया तो कन्हैया पीछे को मुंह करके हंस ले और बलराम जी के सामने उदास है जान। हम चाहते हैं द्वारका से कुरुक्षेत्र पहुंचे और ये कृष्ण बलराम दोनों को बुलाया। सुनो, हमारे मन की कानवा आवाज लगाई, गोविंद तुरंत दौड़े। कौन है ये? इस मीठी आवाज में बात करने वाला कोई और? मुझे लगता है मेरी अब सिंचन कर दिया शरीर को, एक एक करके सब भगवान को लाला को नजर लग गई होगी। और हाथ पकड़ के देखो, एक ही बात कही भैया ने, कछु दुबलो सो लग रहे हो। भगवान की पत्नियों को लगा ब्रजवासी पति भी वो बैठा प्रभु की पटवानी चरणों में लेट गई। हे लाडली जी, हे केशवरी जी, हम आपको प्रणाम करें क्योंकि पलक नहीं झपकते। नासका के अग्रभाग पर केशवरी जी का ध्यान है और बैठी हुई है, दिव्य चरणों को देखा, आहा बलिहारे, आनंदित हो गई प्रभु की पत्नियां। और जैसे चेहरे की तरफ नजर गई तो अपने आप को तिनके से भी कमजोर पाए। ना चले श्री राधा जी के चरणों में मेरे, श्री राधा जी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है। आपने जो गरम गरम दूध पिलाया उसी का परिणाम है कि मेरे पैरों में छा गया। अपनी भक्ति का जो है अपराध तिहार को राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, होती है आसान राधा यो रो रो सांवरिया, राधा यो रो कृष्णा। कृष्ण के जितने भी मित्र हैं वो सब बुजुर्ग और वृद्ध हो गए हैं, कृष्ण जवान हैं। क्यों? क्योंकि कालातीत है। कि पता नहीं तेरी समय नहीं, कोई अब विंधे को धारण नहीं, गोविंद के आंसू बहने लगे। मैया कहती है आप आए थे, मैं जान नहीं पाया भगवान के। बच्चों आजकल हमारे पास कुछ खबर आती है लेकिन जानते हो सहायक होती है। संत मेरे बगुड़े बड़ी क्या है संतों के पास में? भगवान राधे कृष्ण। जिस दिन से श्राप लगा उस दिन से द्वारका नगरी में अब सड़ी बेचैनी है। वसुदेव जी के कथा को सुनना। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नारद जी को प्रणाम किया, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ गोविंद को समर्पित करते चल जाओ, ये उत्तम बात। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेह साय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्ष्य। हे योग के अधीश्वर, योग के स्वामी, जो कार्य मैं नहीं कर पाया जरा सुनो। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा, प्राण वायु दे रही है लेकिन अपनी, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि आकाश कितना बड़ा और कितना चौड़ा है, कितनी सीमा है। जैसे आकाश की सीमा आदि मध्य अंत का नहीं, भी तो स्वर्ग ही है ना। किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया तो रोने लग गए, कोई मृग नहीं हो सकता। मां जो भी चढ़ावा आता है उसका एक सागर।
प्रत्यक्षवर्तते हरि। सभी के कोई पुस्तक नहीं, कोई पोथी नहीं, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव है। द्वादश स्कंध की कथा सुनाते हुए पूजा करने से, दान देने से जिस फल की प्राप्ति होती थी कली काल में, वो भगवान के नाम के जपने से प्राप्त होती है। परीक्षित, अब ऐसा है, आज से 7 दिन पहले आपने अपराध किया एक संत का। संत पुत्र ने आपको श्राप दिया कि आज से 7 दिन तक्षक बसेगा और तक्षक आने वाला है। क्या तुम मरोगे? इतना पूछना था भगवान को कि परीक्षित को जवाब देने में देरी नहीं लगी। बोले, गुरुजी मरते तो वो है जिनका जन्म होता है, और जिसका कभी जन्म नहीं हुआ भला वो क्या मरेगा। सुख, आपने ऐसी हरी कथा सुनाई, उस कथा के प्रभाव से मैं परम पद का अधिकारी हो गया। अब ध्यान देना, श्राप मिला राजा परीक्षित को, कथा सुनाने के लिए आई सुखदेव स्वामी। श्राप मिला 7 दिनों में तक्षक दसेगा। तक्षक कहते हैं काल, और ये काल सभी को दिखाई। इस कथा को तो ज्ञानी लोग ही सुन सकते हैं, हम तो ज्ञानी हैं नहीं, लेकिन संतों के मुख से परम गुरु सुखदेव की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हमने विसारण की पावन यहाँ पर यह भाई के सुनता है। हम उत्तम श्रेणी के वक्ता हैं या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों ने जिस शांति से और जिस भावना से, और इतना ही चाहेंगे, कथा सुनाने के बाद ऐसा माना जाता है व्यासपीठ को दक्षिणा दी जाती है, लेकिन ध्यान दो, दास पर गुरुदेव भगवान की कृपा है। लेकिन प्रसन्न है तो इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा नहीं, जब भी समय मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, भगवान के लिए समय जरूर है। तो आने वाला जो समय है वो ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि भी ये यज्ञ नियम पूर्वक ही हुआ है। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जीना से रंगे व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त यहाँ पधारे भक्तों की जय हो। यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, तू बनता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया भाव के साथ। से है कारती से भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हार की है आरती। शांति पृथ्वी शांति हरि ओम।
तत्पुरुषाय विद्महे श्रीव्यास भगवान की श्री व्यास महाराज की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में जय जय श्री राधे अधर्म का प्राणियों में श्री राधे।